नमस्कार, ये वीडियो है आपके लिए, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, हर वो इंसान जो आज कोविड पॉजिटिव है या फिर किसी कोविड पॉजिटिव को जानता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आपके लंग्स इसमें इफेक्ट होते हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है लंग्स का, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक से आपका SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं और रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं या पोस्ट कोविड आपको बैक टू नॉर्मल जल्दी से जल्दी कैसे आना है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो वायरस है ये आपके किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, यहाँ कोई डायरेक्ट इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। ये कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है? सीधे आपके लंग्स में और कहीं नहीं। उसके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो दूसरे ऑर्गन्स में आपको जो सुनने को मिल रहा है कि ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं, बट ये वायरस इफेक्ट कर रहा है आपके फेफड़ों को। तो हम समझेंगे कि जो ऑलरेडी वो डैमेज कर सकता है कैसे उसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे लंग्स, जो एक एयर एक्सचेंज का ऑर्गन है, वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन दे देता है और वो ब्लड को ऑक्सीजन कैसे पूरे हमारे शरीर को, हर एक ऑर्गन, एक एक सेल टिश्यू में जाके उसको अलाइव रखता है, जिंदा रखता है। ये पूरे मैकेनिज्म को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। लंग्स एक एयर एक्सचेंज का ऑर्गन है, ये बाहर की हवा को आपके शरीर के अंदर लेता है, पर ये क्या करता है, इसको वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। तो क्या मतलब हुआ इस ऑर्गन का, क्या इम्पोर्टेंस हुआ इस ऑर्गन का? आपने हवा में, एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं, एयर है, उसको इनहेल किया और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसको छोड़ दिया। तो कैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिला? देखिए, ऐसा है कि इस एनवायरनमेंट में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, सब टाइप के गैसेस हैं, गुड एंड बैड। हमारा लंग्स उसको लेता है और तुरंत छोड़ देता है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन जो है, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन को वो जल्दी से एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है और बाकी अनवांटेड गैस को वापस छोड़ देता है। तो ये हमने सांस लिया, बिना सोचे छोड़ दिया, हमने उसको होल्ड नहीं किया। जितना बलून फूल पाया, जितना हम सांस ले पाए छोड़ दिए। इसमें बहुत कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हुआ हमारे हिसाब से, लेकिन साइंस ऐसा नहीं है, नेचर ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी ऐसा नहीं है। आप लोग को आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने लंग्स का एक मॉडल बनाया है। ये आपके फेफड़े हैं। लॉकडाउन है, 10 दिन से घर पर जो अवेलेबल था मैंने सिंप्लीफाइड किया है। अभी आप देखिए, ये आपका लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है। इसमें 2 कमरे होते हैं, इसमें 3 कमरे होते हैं। हमको पूरा डीप में नहीं जाना है, हम समझते हैं कि कैसे आपके फेफड़े सांस लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन जो है, जो हमारे प्राण वायु है, उसको वो ब्लड तक पहुंचाता है। लंग्स तो पूरे शरीर में नहीं है, तो लंग्स तो सब जगह हवा नहीं ले जा सकता। पूरे शरीर में जो दौड़ता है वो है ब्लड। अब हम समझते हैं कि कैसे वो पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन को पहुंचाता है, एक एक सेल्स में। तो ये है आपके लंग्स और ये समझिए आपका ब्लड वेसल है, आपकी धमनियां है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो इसमें हवा आया और वो इस झिल्ली से, एल्वोलाई एक्चुअली उसका यूनिट होता है, तो इस झिल्ली से, आर्टरी की झिल्ली, 2 झिल्लियों को पार करके वो हमारे ब्लड में पहुंच जाता है और इस तरीके से पूरे शरीर में घूमने के लिए तैयार होता है। तो आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जैसे ही आपने सांस लिया, आपके एक एक एल्वोलाई में, फेफड़े के यूनिट में हवा पहुंची और उसके चारों तरफ जो है ये ब्लड वेसल है, धमनियाँ हैं, और हवा जब एक्सचेंज हुआ तो ऑक्सीजन, जो सिर्फ ऑक्सीजन जो है, ये 2 झिल्लियों को पार करके आपके ब्लड वेसल में आ गया। अभी हम पूरी लाइफ जो मिस्टेक करते हैं वो ये है
बाबा को, रामदेव बाबा को गालियां देते हैं, कुछ समझते नहीं है। हम पूरी लाइफ नॉर्मल शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ऊपर ऊपर सांस लेते हैं। क्या है कि जितनी देर तक आप अच्छे ऑक्सीजन को लेके रोक के रखेंगे अपने अंदर, उतना ज्यादा लंग्स को समय मिलता है आपके ब्लड वेसल के साथ एक्सचेंज करने का। आपने ये सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, तो इसको समय ही नहीं मिलता है कि प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है फिल्टर हो जाए बाकी गैसेस से और जाके वो ब्लड वेसल, मतलब दो झिल्लियों को क्रॉस करके ब्लड वेसल में चला जाए। इतना समय ही नहीं देते हैं आप लोग। अभी मैं आपको आगे टेक्निक्स बताना शुरू करती हूँ। इसमें हम पेशेंट का पोजीशन, जो जो उसके लंग्स का, जो जो लोब, जो जो कमरे में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उन कमरों को कैसे पुराने गंदगी को क्लियर आउट करना है वो सिखाएंगे। फिर उनके SpO2 मतलब ब्लड में, हम लंग्स में हवा ले लें लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कैसे बढ़ाना है उसको फेफड़ों के एक्सरसाइज से समझेंगे कि ये कैसे हम SpO2 को बिलो 50 भी है तो उसको हम 80 प्लस तक ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं नॉर्मल डीप ब्रीदिंग से। ये मेरे लिए नॉर्मल है क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। हम सब जो शैलो ब्रीदर्स हैं जनरली, उनके लिए डीप ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है, एक एफर्टफुल ब्रीदिंग है। तो अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर अगर ऑक्सीजन मास्क में है तो भी ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो समझने की है कि जो भी अभी कोविड पॉजिटिव है वो सारे लोग गिव अप करने वाले हैं। जब आप उनको एक्सरसाइज बोलेंगे तो वो साफ मना कर देंगे, वो बोलेंगे कि उनके में बिल्कुल इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कोई भी टाइप का एक्सरसाइज कर दे, और वो काफी डिमोटिवेटेड भी रहते हैं। तो हमको उनको पुश करना है, इतना ही पुश करना है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहें। लेकिन 2 to 5 मिनट्स भी अगर ये एक्सरसाइज करते रहें दिन में इंटरवल्स में बार बार, तो धीरे धीरे रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइजेस से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग, जिसमें मास्क के साथ उनको डीप ब्रीदिंग करना है। ब्रीद आउट करने के टाइम हमको मास्क हटा के ब्रीद आउट करना है। एक बार फिर जो पेशेंट इसमें मिस्टेक करने वाले हैं, जनरली जो पेशेंट मिस्टेक करते हैं वो ये है कि इसमें क्या हुआ, हमारे कंधे ऊपर उचक रहे हैं। हमको जो जरूरी है, जो ध्यान रखना है वो है पेट फुलाने की। पेट आपका आगे और पीछे से फूलना चाहिए, स्पेशली आगे से पेट फूलना चाहिए जब आप सांस अंदर ले रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे, उनको बार बार मोटिवेट करेंगे कि सांस लेते वक्त वो कंधा नहीं उचकाएंगे, एसेसरी मसल्स नहीं यूज करेंगे, पेट में हाथ रख लेंगे या फिर मास्क पकड़ के ही रखेंगे, बस ध्यान देंगे कि उनका पेट सामने की तरफ फूल रहा है। ये अब अगर ये वो कंफर्टेबली 5 to 10 times कर पाते हैं तो इसको आप ये कीजिए कि ये नॉर्मल डीप ब्रीदिंग ही था। इसमें हम एड ऑन कर लेंगे ब्रेथ होल्ड को। ब्रेथ होल्ड का मैं, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि ब्रेथ होल्ड अपने आप में ही एक रिकवरी प्रोटोकॉल है। जितने देर तक आप अच्छे ऑक्सीजन को होल्ड करके रखेंगे लंग्स उतने देर तक एक्सपांड रहेगा और उसको उतना ज्यादा टाइम मिलेगा कि लंग्स के वॉल और आपकी आर्टरीज के वॉल के बीच कम्युनिकेशन हो, उतना ज्यादा उसको समय मिलेगा एक्सचेंज का। तो आपका ऑक्सीजन जो लंग्स में फिल्टर होके रखा हुआ है उसको समय मिलता है आर्टरीज में एक्सचेंज होने के लिए। तो अब हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ ही ब्रेथ होल्ड की। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब ब्रीद आउट करें वो भी पूरा करें। ब्रीद आउट में आपको पेट को अंदर दबाना है
और ब्रीद आउट करने में ऐसे फास्ट ब्रीद आउट नहीं करते हुए धीरे ब्रीद आउट करेंगे और कंप्लीट ब्रीद आउट करेंगे। तो ये है हमारा सेकेंड ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें तीसरा टेक्निक है, सपोज ये हमारे लंग्स हैं, हम इतना सांस लिए और वापस छोड़ दिए, फिर इतना सांस लिए फिर छोड़ दिए। अभी हमको ये करना है कि हमने उसको इतना फिलअप किया, जब ये इतना फिलअप है उसके ऊपर और इतना फिलअप किया और उस बलून को हमको फुलेस्ट लेके जाना है। तो कोई भी पेशेंट जिनके साथ ये प्रॉब्लम है अभी कोविड का, जिनके लंग्स अफेक्टेड हैं, उनकी प्रॉब्लम वो ही समझ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निक है जिसका इफेक्ट मैंने बहुत मैजिकल, जिनको मैं बता रही हूँ उनके में जो मैजिकल इफेक्ट मैं देख रही हूँ। बस ये आपको करना है कि जब आप करवाएंगे तो उनको बहुत फोर्स नहीं कीजिए लेकिन एंकरेज जरूर कीजिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे तीन पार्ट में ब्रीदिंग। इसमें भी आप ध्यान देंगे तो मेरा कंधा नहीं उचका। वापस ये देखते हैं, अब हम आते हैं फोर्थ टेक्निक पे। फोर्थ टेक्निक है, अभी तक हमने देखा कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो पेट सामने की तरफ फूल रहा है, अब हम उसको साइड टू साइड ब्रेथ कॉन्शियस लेके जाएंगे और इसको साइड टू साइड फुलाने की कोशिश करेंगे। आप इमेजिन कीजिए, कभी भी आपने चलते फिरते कभी भी अगर आपने फेफड़ों का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आप बस उसको इमेजिन कीजिए कि ये मेरे लंग्स के मेरे फेफड़ों का सबसे लास्ट कॉर्नर है और एक एक कॉर्नर एक एक कोने तक मुझे प्राण वायु को लेके जाना है। तो बस यही इमेजिन करते हुए, अगर ये नहीं भी हो पाता है तो भी सिर्फ कॉन्शियस रहिए और करते रहिए। ये हमने रिब केज है जहां एंड हो रहा है उसको पूरा ऐसे ग्रैब करेंगे और ब्रीदिंग करेंगे बिना कंधा उचकाए। ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा, शोल्डर्स हमेशा रिलैक्स रहेंगे। फिर हम ब्रीदिंग करेंगे जिसमें मैक्सिमम पेट फूलेगा, लेकिन हमको ध्यान देना है कि साइड टू साइड भी फूलना है। आप देखेंगे तो मेरा पेट बाहर सामने की तरफ और साइड टू साइड भी पूरा फूल रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ टेक्निक। अभी के लिए ये चार ब्रीथ इन सांस अंदर लेने के एक्सपांशन की टेक्निक से अभी के लिए ये सब ठीक है। अब हम एक्सपायरेशन सांस छोड़ने की कुछ एक टेक्निक के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए बलून एक बार फूल गया, ठीक है, बलून एक बार फूल गया फिर वो पूरा सांस बाहर लेके सांस छोड़ के बलून से पूरा हवा बाहर निकाल दिए, लेकिन कुछ एक परसेंटेज ऑफ एयर, थोड़ा सा कुछ एयर जो है वो हमेशा पुराना वहां पे रह जाता है। जैसे आपने कभी बलून फुलाया होगा और बलून फुला के आप उसको छोड़ दीजिए तो थोड़ा एयर उस श्रिंक बलून में उस गुब्बारे में रह ही जाता है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि पुराना जितना एयर हमने भरा है वो पूरा ही बाहर निकाल दें ताकि जगह बने और नए एयर उसमें फ्रेश एयर आने की। तो अब हम सीखेंगे ब्रीथ आउट का एक टेक्निक। उसमें आपको ये करना है कि वापस यहाँ पे हाथ रखेंगे, आपके लोअर एब्डोमेन में नहीं, पेट में नीचे की तरफ हाथ नहीं रखना है, बिल्कुल रिब्स के ऊपर, दोनों साइड रिब्स हैं और यहाँ पे आपका गैस्ट्रम है तो यहीं हाथ रखना है। इसमें आप क्या करना है, ब्रीद आउट में ध्यान देना है। ब्रीदिंग आप जैसे भी कर रहे हैं, वैसे तो पेशेंट को आज की डेट में डीप ब्रीदिंग ही करना है, फिर भी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ब्रीद आउट को ऐड कर लीजिए। एफर्टफुल ब्रीद आउट, सांस छोड़ने के टाइम आपको काफी एफर्ट लगाना है, कोशिश करना है। तो वो हो सकता है हम रिब केज से नहीं कर सकते हैं, इंटरकोस्टल से नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं सिर्फ पेट को अंदर दबाने से। Thank you.
ये आपको सिखाने के लिए था, अगर मैं हूँ, अगर मुझे ब्रीद आउट करना है तो मैं उसको स्लो करती हूँ लेकिन कंप्लीट करती हूँ। पेट को अंदर की तरफ दबा के पूरे बलून से पूरा एयर निकाल देना है। ये था हमारा ब्रीद आउट का फर्स्ट टेक्निक। ब्रीद आउट में मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि पेशेंट के इंटरकॉस्टल्स एब्स वो इतने वीक हो चुके होते हैं कि इतना एफर्टफुल ब्रीद आउट उनसे नहीं हो पाता। फिर भी जो पोस्ट कोविड है, जो रिकवर कर रहे हैं या पोस्ट कोविड पूरी तरीके से रिकवर कर लिए लेकिन उनको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वो भस्त्रिका कर सकते हैं। और जिनको योगा नहीं पता उनको मैं बस रिवाइज करा दूं, ये आपको पालथी में करना है या आराम से बैठ के बेड पे भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ ब्रीद आउट में ध्यान देना है। देखिए ब्रीद आउट का आपको समझना पड़ेगा कि जितना सांस लेना और उसको रोकना इम्पोर्टेंट है उतना ही जरूरी है पूरा ब्रीद आउट करना, क्योंकि पुराना एयर जो जमा रहता है ना उसका कोई यूज नहीं है, वो टॉक्सिक ही है। तो पुराने एयर को आप पूरा बाहर कीजिए। पूरा बाहर करने के लिए आपको काफी एफर्टफुल एक्सपायरेशन मतलब बहुत कोशिश करके ब्रीद आउट करना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमनली चल रहा है बट लोग उसमें मिस्टेक भी कर रहे हैं, तो मैं आपको पोजीशनिंग और अगर किसी लोब में, जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट में दो कमरे हैं लेफ्ट लंग्स में, राइट में तीन कमरे हैं, तो किसी भी कमरे में सबसे ऊपर बीच का या नीचे का या ऊपर और नीचे का, इन कमरों में अगर कॉफ म्यूकस या सिक्रेशन जमा हुआ है जिसको हम निमोनिया समझ रहे हैं, तो अगर एक्यूमुलेशन है तो कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं? ये एक फिजियोथेरेपिस्ट जो हॉस्पिटल में काम करते हैं समझिए उनका ब्रेड एंड बटर है, बट टाइम ऐसा चल रहा है कि ये नॉलेज आज हर किसी को किसी के पास ये नॉलेज होना चाहिए। ईजी है बट थोड़ा टेक्निकल है, करना ईजी है लेकिन क्यों करना है, कहाँ सही तरीके से करना है, ये आपको बहुत सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के बाद मैं एक PDF भी बनाऊंगी, जो कोशिश कीजिए कि आप उसको सर्कुलेट कर पाएं, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी पिक्चर्स के साथ और उसको करने का सही तरीका भी मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। आप सर्कुलेट कीजिए, हो सकता है इससे लोगों की जान बचे और उनका रिकवरी फास्ट होगा। तो अब नेक्स्ट मैं बता रही हूं पोजिशनिंग। अभी जो व्हाट्सएप में लोग मिस्टेक कर रहे हैं पहले मैं आपको वो समझाती हूं। लोग मिस्टेक कर रहे हैं उसको पिलो रखे, एक या दो पिलो रख रहे हैं और चेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, चेस्ट का पोजीशन ऐसे हो रहा है, लोअर जो रिब्स हैं आपके लोअर लोब हैं वो नीचे की तरफ ऐसे आ रहे हैं। हमको ये नहीं करना है, हमको दोनों लंग्स को के सिक्रेशन को बीच में लेके आना है ताकि पेशेंट उसको कफ करके निकाल सके, ठीक है? तो इसको हम करेंगे, ये जो एंगल है इसको ऐसे बढ़ाना है। तो हम दो पिलो यूज करेंगे और उसका पोजिशनिंग समझेंगे। Will you please get up for me? Yeah. अब आप देखेंगे तो पेशेंट जो है ये आपको 5-7 मिनट करना है और इसके बाद रिलीव कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक कोई इस पोजिशन में नहीं रह सकता, अगर रह सकता है तो इट्स वेल एंड गुड। इसमें आप करेंगे कि लंग्स का जो पोजिशन पहले ऐसा था उसको हमने इस तरीके से चेंज कर दिया है। तो अब सेंट्रल दोनों लंग से सेंटर की तरफ पाइप से उसको सिक्रीशन बाहर आने के लिए सिक्रीशन रेडी होता है और रास्ता बनाता है, ठीक है?
अब मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि वीडियो हमको शॉर्ट करना है, तो बस एक ही लोब का, एक कमरे का सिक्रीशन का क्लियरेंस मैं बताती हूँ। प्लीज ये रखो, आप उस तरफ फेस कर लो। ये इनका राइट साइड है, ठीक है। आपका अपर लोब समवेयर हियर, सबसे ऊपर ऊपर की मंजिल, ऊपर का कमरा यहाँ पे है, और बीच का कमरा यहाँ पे है, और नीचे का कमरा यहाँ पे है। अगर आपके सीटी स्कैन की रिपोर्ट में आई ये बात है कि उनको सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पे है, यहाँ पे निमोनिया है, या बीच के कमरे में है, तो इसको कैसे क्लियर करना है ये आप समझिए। कप बनाइए, अपने हाथों से अच्छा टाइट कप बनाइए, और हवा में प्रैक्टिस कीजिए ये करने की। अभी हमने ये जो है ना रिस्ट, इसको बहुत फ्री सॉफ्ट छोड़ा हुआ है, लेकिन कप बना के रखा है। तो ऐसा आप कप बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ऐसा आप कप बनाएंगे और इसको हवा में ये प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद क्या है, क्योंकि हमको एक नेगेटिव प्रेशर सक्शन क्रिएट करना है, अगर हमको यहाँ बीच के कमरे में, बीच के लोब में या लोअर लोब में, और नहीं भी है तो भी, क्योंकि पेशेंट लंबे समय से लेटा हुआ है एक पोजिशन में, ये आपको करना है। इसमें ये कप जो बना हुआ है नेगेटिव प्रेशर, इसको आप देखिए आवाज, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी तो थप थप आवाज आएगी। अभी ये थप थप आवाज नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, जो निमोनिया छोड़ दीजिए, अगर कोई म्यूकस है, कॉफ है, वो एक जगह इकट्ठा होके, गाढ़ा होके लंग्स के अंदर के कमरे में, अंदर की दीवार में चिपक रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, तो आप उसको शेक कीजिए। शेक करेंगे तो वो दीवार से, दीवार को छोड़ेगा, वहां से मोबिलाइज होगा, और फिर वो सेंटर की रास्ते की तरफ, यहाँ पे आपका सेंटर का रास्ता है, तो यहां से आप उसको हिला के ढीला करेंगे तो वो सेंटर की तरफ आएगा। और तब तक आप पेशेंट को एंकरेज कर चुके होंगे कि उनको कॉफ करना है, तो जहां उनको यहाँ पे कॉफ लगेगा, उनको थोड़ा कोशिश करके एंकरेज कीजिए, और उनको बोलिए कि कोशिश करके कॉफ आउट करेंगे, स्पूटम है, कॉफ है उसको। तो बस हमको दूसरे साइड भी यही करना है, इनको चारों तरफ से, सामने से भी, सामने की तरफ भी, सारे पोजिशन में इनको ऐसे परकशन दीजिए। और इसके बाद भी आप उनसे पूछेंगे, ये करने के तुरंत बाद अगर उनसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, अगर स्प्यूटम वो निकाल पा रहे हैं, तब तो वो जरूर आपको तुरंत से बोलेंगे कि पहले हमको पता नहीं था कि यहाँ पे इतना भारीपन है, अब हमको लग रहा है कि पहले कितना भारीपन था, अब हल्का लग रहा है। तो ऐसा फीडबैक पेशेंट आपको देंगे। पर ये हम तभी कर सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट या होम आइसोलेशन में है और कोई उनके साथ है, क्योंकि ये कोई और उनके ऊपर करेगा।